हेलो गाइस, टैली फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम ब्रांचेस में स्टॉक ट्रांसफर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि आप टैली के थ्रू जीएसटी के साथ अपने अलग अलग ब्रांचेस में स्टॉक ट्रांसफर की एंट्री कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, स्टॉक ट्रांसफर में हमारे पास तीन केस हो सकते हैं, जैसे कि पहला केस है जिसमें हम अपने किसी इंटरस्टेट ब्रांच में स्टॉक को ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस केस में हम इसकी एक्वाटिक एंट्री कैसे करेंगे। दूसरा केस है जिसमें कि हम अपने किसी इंट्रास्टेट मतलब कि लोकल ब्रांचेस में स्टॉक को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उस ब्रांच का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर और हमारी ब्रांच का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों का सेम है, तो उस केस में हम टैली में इसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे करेंगे। और दोस्तों, जो तीसरा केस है उसमें हम अपने किसी इंट्रास्टेट मतलब कि लोकल ब्रांच में स्टॉक ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बट उस ब्रांच का और हमारी ब्रांच का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों का अलग अलग है, तो उस केस में हम टैली में इसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे करेंगे, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे पहले केस की, जिसमें कि हम किसी इंट्रास्टेट मतलब कि लोकल स्टेट में ब्रांचेस को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उस ब्रांच का और हमारी ब्रांच का जो जीएसटी नंबर है वो अलग अलग है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ ग्रुप क्रिएट करने हैं। तो ग्रुप क्रिएट करने के लिए आपको जाना है अकाउंट्स इन्फो में, ऑफ यहाँ पर ग्रुप में जाना है और नए ग्रुप क्रिएट करने के लिए आ जाएंगे क्रिएट पे। मैंने यहाँ पहले से क्रिएट किए हुए हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसे बनाने हैं। मैंने जो बनाया है यहाँ पे, एक बनाया है स्टॉक रिसीव फ्रॉम ब्रांचेस, जिसको कि मैंने प्राइमरी में लिया है और यहाँ पर मैंने नेचर ऑफ ग्रुप में इसको एक्सपेंस में लिया है और डस इट अफेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट को यस करके इसको सेव कर लिया है। ऐसे ही मैंने एक बनाया है स्टॉक ट्रांसफ़र टू ब्रांचेस, यहाँ पर आपको इसको लेना है प्राइमरी में और यहाँ पर इसको नेचर ऑफ ग्रुप में आपको लेना है इनकम और इसको भी डज दिस अफेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट को यस करके इसको आपको सेव कर लेना है। ये हो गए हमारे ग्रुप्स। अब हमें क्रिएट करने हैं लेजर्स, तो आप वापस जाएंगे लेजर्स पे, यहाँ पर आप न्यू क्रिएट करने के लिए क्रिएट पे जाएंगे। मैंने ये लेजर्स भी क्रिएट किए हुए हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसे बनाने हैं। अब मैं जाऊँगा एडिटर में और यहाँ सबसे पहले मैंने जो बनाया है वो बनाया है लोकल ब्रांचेस डिफरेंट GSTIN, इसको मैंने लिया है अंडर ब्रांचेस डिवीजन में और यहाँ पर मैंने इसको एंटर करके यहाँ पर इसकी GST डिटेल जो है फिल कर दिया है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो GST डिटेल होगी आपकी वो आपकी ब्रांचेस से अलग होगी और उसको भी इसको सेव कर लिया है। ऐसे ही दोस्तों, दूसरा जो मैंने लेजर बनाया है वो बनाया है स्टॉक ट्रांसफ़र इनवर्ड, इसको मैंने लिया है स्टॉक रिसीव फ्रॉम ब्रांचेस जो अभी हमने ग्रुप बनाए थे उसको मैंने उसके अंडर लेके यहाँ पर हमने इन्वेंटरी वैल्यूज आर अफेक्टेड को यस किया है और यहाँ पर GST एप्लीकेबल को एप्लीकेबल करना है और इसको नो करके यहाँ पर आपको लेना है गुड्स और इसको सेव कर लेना है। ऐसे ही मैंने एक दूसरा बनाया है स्टॉक ट्रांसफ़र आउटवर्ड, इसको भी हमने जो अभी ग्रुप बनाए थे उसमें स्टॉक ट्रांसफ़र टू ब्रांचेस में लेके यहाँ पर करना है यस और ये एप्लीकेबल और यहाँ पर इसको गुड्स लेके इसको भी आप सेव कर लेंगे। ऐसे दोस्तों, मैंने यहाँ अपने GST के जो SGST CGST और IGST के लेजर्स हैं वो भी क्रिएट कर लिए हैं। अब दोस्तों, आपको वापस जाना है और आपको आइटम्स क्रिएट करनी है जो कि आप यहाँ पे ट्रांसफ़र करने वाले हैं, तो उसके लिए आप जाएंगे स्टॉक ट्रांसफ़र में इन्वेंटरी इन्फो में, यहाँ पर आप जाएंगे स्टॉक आइटम्स में, यहाँ पर आपको न्यू क्रिएट करने के लिए क्रिएट पे जाना है। मैंने ये भी पहले से क्रिएट किए हुए हैं तो मैं आपको शो कर देता हूँ कि आपको कैसे करने हैं। तो जब देखिए, देख सकते हैं कि आप मैंने यहाँ पर फर्नीचर का जो है एक स्टॉक बनाया है, वो मैंने कैसे बनाया है, इसको मैंने लिया है अंडर प्राइमरी और यहाँ पर मैंने इसको GST एप्लीकेबल को एप्लीकेबल किया है और यहाँ पर सेट ऑल्टर GST को यस करना है और यस करके इसकी आपको GST डिटेल जो है वो फिल करके इसको लेना है ऑन वैल्यू टैक्सेबल और यहाँ पर इसका GST रेट मैंने 18% लेके इसको सेव कर लिया है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे इसकी एंट्रीज की, तो उसके लिए आप वापस जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में। एंट्री करने के लिए दोस्तों, आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर में और दोस्तों सपोज करते हैं आपकी जो लोकल ब्रांच है
वहाँ से आपको स्टॉक जो है वो आपके पास मिल रहा, आपको मिल रहा है। तो उसके लिए आपको जो एंट्री करनी है वो करनी है परचेज वाउचर में। परचेज वाउचर में जाएंगे, याद आ देंगे नंबर, और यहाँ पार्टी नेम में आप ले लेंगे आपका जो आपको बनाया था हमने लोकल ब्रांच डिफरेंट GSTIN, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर परचेज और लेजर में आप ले लेंगे स्टॉक ट्रांसफर इनवर्ड। और यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लेना है, एंटर करेंगे और आपकी जो आइटम है जो आपको मिल रही है, जो कि हमने बनाया था यहाँ पर फर्नीचर, तो वो ले लेंगे। और मान लीजिए मुझे जो फर्नीचर जो मिल रहे हैं वो मिल रहा है 20, जिसका जो रेट है 10,000। अब आप यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर टेस्ट एनालिसिस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा आपका इस पर सेंट्रल टैक्स जो है वो 9% है और स्टेट टैक्स आपको जो है वो 9% है, मतलब कि ये आपका टैक्सेबल है। आप वापस जाएंगे और इस पर लगाएंगे CGST और SGST और इसको एंटर करके इसको यहाँ पर सेव कर लेंगे। अब मान लीजिए दोस्तों, अगर आपको अपनी उसी ब्रांच में आपके स्टॉक जो है वो ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए आप जाएंगे सेल्स वाउचर में, उसके लिए आप प्रेस करेंगे F8 और यहाँ पर परचेज की तरह ही आप यहाँ पार्टी नेम में ले लेंगे लोकल ब्रांच डिफरेंट GSTIN और सेल्स वाउचर में यहाँ पर सेल्स लेजर में ले लेंगे आपका जो था स्टॉक ट्रांसफ़र आउटवर्ड, और उसको लेके आप अपनी जो आइटम है उसको लेके सेलेक्ट करके उस पर CGST और SG यहाँ पर चार्ज कर लेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि जब आप अपने किसी लोकल ब्रांच में, मतलब कि इंटरस्टेट ब्रांच में ट्रांसफ़र कर रहे हैं और आप उस दोनों ब्रांच का जो GSTIN नंबर है वो सेम है, तो उस केस में आपकी एंट्री कैसे होगी वो देखते हैं। अब इसके लिए भी दोस्तों आपको सबसे पहले एक लेजर क्रिएट करना है, मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कैसे करना है। मैंने यहाँ क्रिएट किया है लोकल ब्रांचेस सेम GSTIN, इसको मैंने लिया है ब्रांच एंड डिवीजन में और यहाँ पर एंटर करके हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर था हम इस केस में दोनों का सेम है, तो मैं सेम GSTIN नंबर लेके इसको सेव कर लूँगा। अब दोस्तों हम एंट्री करेंगे, इसके लिए वापस जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, और मैं सपोज कर रहा हूँ कि मैं जो मेरे ब्रांच है वहाँ से मुझे स्टॉक जो है वो मिल रहा है, तो मैं इसकी एंट्री करूँगा परचेज में, यहाँ पर ले लेंगे 2, यहाँ पार्टी नेम में ले लेंगे लोकल ब्रांचेस सेम GSTIN और यहाँ पर परचेज लेजर में हम फिर से ले लेंगे स्टॉक ट्रांसफ़र इनवर्ड, और यहाँ पर इस बार हमें लेना है ब्रांच ट्रांसफ़र इनवर्ड, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और फिर हमारा जो आइटम थी फर्नीचर वो ले लेंगे। मान लीजिए मुझे 10 फर्नीचर जो मिल रहे हैं जिसकी वैल्यू है 8,000। अब दोस्तों आप इस बार आप जाएंगे स्टैक एनालिसिस पे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको CGST और SG देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो हमारी ब्रांच है वो एक लोकल ब्रांच है और इन तो हमारी ब्रांच और उस ब्रांच का जो GSTIN नंबर है वो दोनों का सेम है, तो इस केस में इसको सप्लाई नहीं माना गया है, तो यहाँ पर आपका GST जो है वो चार्ज नहीं होगा। अब आप वापस जाएंगे और इस एंट्री को सेव कर लेंगे, यहाँ करेंगे ओवरराइड, ओवरराइड करके इसको सेव कर लेंगे। अब दोस्तों आप चेक करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो यहाँ पर आपको स्टॉक रिसीव फ्रॉम ब्रांचेस में, यहाँ पर आपको स्टॉक ट्रांसफर इनवर्ट में आपकी जो दोनों एंट्रीज है उसका जो टोटल है वो आपको मिल जाएगा, इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों आप स्टॉक समरी भी जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको जो आपके टोटल जो आपको ट्रांसफ़र हुए हैं जो आपको मिले हैं वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जब आप किसी इंटरस्टेट, मतलब कि किसी और स्टेट में अपने स्टॉक को अपने आप जो ब्रांच है उसको ट्रांसफ़र करते हैं। अब यहाँ पर भी पहले आपको एक लेजर क्रिएट करना है, मैंने आप पहले से क्रिएट किया हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस बार मैंने किया है इंटरस्टेट ब्रांचेस का, जो कि मैंने फिर से ब्रांच या डिवीजन में लिया है और यहाँ पर हमने स्टेट चेंज करके लिया है राजस्थान, और उसका जो GST नंबर है वो आप इसको फिल करके इसको आप सेव कर लेंगे। सेव करके अब हम इसकी एंट्री करेंगे, एंट्री करने के लिए जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, यहाँ पर आप मैं फिर से अज्यूम कर रहा हूँ मुझे उस ब्रांच से जो स्टॉक है वो मिल रहा है, तो मैं यहाँ परचेज में एंट्री करूँगा, यहाँ पार्टी नेम में ले लूँगा इंटरस्टेट ब्रांचेस और यहाँ पर परचेज लेजर में ले लेंगे स्टॉक ट्रांसफ़र इनवर्ड, और इस बार आपको यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, एंटर करेंगे आपके जो आइटम है वो ले लेंगे। और मान लीजिए मुझे मिल रहा है 10 फर्नीचर 15,000 का, और इस बार आप टैक्स एनालिसिस क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा इंटीग्रेटेड टैक्स, मतलब कि ये आपका यहाँ पर IGST चार्ज होगा।
अब वापस जाएंगे और इस पर ISC लगा लेंगे और इसको एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। अब वापस जाएंगे और चेक करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको स्टॉक ट्रांसफर इन्वेंट में इस बार फिर से आपको यहाँ पर जो आपने अभी रिसीव हुआ है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों हम जाएंगे स्टॉक समरी में, यहाँ पर भी आपको जितने भी कुछ रिसीव हुए हैं सारे इसके एंट्रीज आपको उसकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। दोस्तों ये थे तीनों केस जिसमें मैंने आपको बताया कि आप अपने किसी भी ब्रांच में जब स्टॉक ट्रांसफ़र करते हैं तो टैली में GST के साथ उसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे होती है। दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करिए, शेयर भी कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब दोस्तों मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए थैंक यू।